ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 57ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੀ ਚਿਤਾਓਂ ਪਰ ਲੱਗੇਂਗੇ ਹਰ ਵਰਸ਼ ਮੇਲੇ, ਵਤਨ ਪਰ ਮਿਟਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕਾ ਵਾਕੀ ਜਹੀ ਨਿਸ਼ਾਂ ਹੋਗਾ। ਸੰਨ 1962 ਦੀ ਹਿੰਦ ਚੀਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਜੇਤਾ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਨਿਕ ਬੋਰਡ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਰਨਲ ਸੁਜੀਤ ਸੋਨੀ, ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵੀ ਗੜਵਾਲ ਰਾਈਫਲ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। आज सूबेदार जोगिंदर सिंह जो कि हमारे मोगा में माला कलां गांव को के रहायशी थे और परमवीर चक्रवाड़ी थे, उनका आज शहीदी दिवस है। 23 अक्टूबर 1962 जो इंडो चाइना वॉर हुई थी तो नेफा सेक्टर में बुमला पास में उन्होंने दुश्मन से लड़ते हुए अब वो शहीद हो गए थे। तो अब मोगा में हम हर साल उनका ये शहीदी दिवस मनाते हैं और एक बड़ा अच्छी प्रैक्टिस है। और इतने बड़े गैलेंट्री अवार्डी को याद करना, हमारे शहीदों को याद करना, ये हमारा फ़र्ज़ है। सर, आज उनके परिवार वाले भी आए, उनकी बेटी भी आई, तो क्या कोशिश? उनकी बेटी मिसेस कुलवंत कौर जो कि मुक्सर में रहते हैं, तो वो हर साल इस फंक्शन पर आते हैं। तो हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि जो आर्मी का सबसे हाईएस्ट जो गैलेंट्री अवार्ड है परमवीर चक्र, वो अवार्डी हमारे मोगा ज़िला से हैं और परिवार हम सबके साथ प्रशासन के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ की जो आर्मी अथॉरिटीज़ हैं वो फिरोज़पुर से हर साल आके यहाँ पे हम इकट्ठे होके उस शहीद की याद में हम एक छोटा सा ये प्रोग्राम करते हैं ताकि जो आने वाली नस्लें हैं उनको ये पता चले कि हमारे शहीद बॉर्डर पे कैसे लड़े और कैसे उन्होंने दुश्मनों को शिकस्त। इस मौके शहीद सूबेदार जोगिंदर सिंह की पुत्री श्रीमती कुलवंत कौर और उन्होंने पति सब इंस्पैक्टर सुरजीत सिंह भी इस समागम में शामिल हुए। इस समय डिप्टी कमिश्नर ने दस्या कि सूबेदार जोगिंदर सिंह का जन्म 28 सितंबर 1921 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ।